either you use social media or you get used by it. अगर कोई आदमी किसी रूम में अकेला बैठा है तो वो तनहा नहीं है. उसके खाने पे, पीने पे, उसकी हरकतों पे कोई चीज़ नज़र रख रही है. वो इनविजिबल पावर है आपका स्मार्टफोन. आजकल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं हो. सभी लोग, बड़ो, बच्चों और बूढ़ों तक, सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ऐसे ऐप्स आपके मोबाइल में होंगे. ये सब ऐप्स पहले मोबाइल में दी जाती थी, लेकिन आज की दुनिया में ये सब ऐप यूज़ करने के लिए डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया के यूज़र्स हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. यहाँ तक कि US के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी अपने लोगों से बात करने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं. सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है. लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे सुन के आप हैरान हो जाओगे. सोशल मीडिया को सॉफ्टवेयर के उनके नाम से जानते हो, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर. लेकिन वही ऐप्स आपको एक यूनिक नंबर से पहचानती है. जितना आप खुद को नहीं समझते उतना सोशल मीडिया आपको समझता है. आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजिंग दिखाता है. क्या आप जानते हो इन ऐप्स को फ्री में क्यों रखा गया है? यही ऐप्स आपका डेटा यूज कर मल्टी बिलियंस में पैसे कमा रही है. इन कंपनीज के पास ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट करे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, ताकि आप एक बार उनके वेबसाइट पे आ जाओ तो आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहो. अगर हमारी कोई तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स पे फोटोज़ और वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको लाइक, कॉमेंट या फिर थम्स का आपको ऑप्शन मिलता है, ताकि आप जब भी कोई पोस्ट अपलोड करो तो आप बार बार उसे फ़ोन चेक करने के लिए चाहोगे और चेक करोगे कि किसने लाइक तो नहीं किया है, किसने कमेंट तो नहीं किया. इसीलिए आप बार बार मोबाइल चेक करोगे. अगर आप मोबाइल चेक नहीं करते हो तो वो ऐप्स आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, समवन हैज़ लाइक योर फोटो, समवन हैज़ कमेंटेड ऑन योर फोटो. सो उनके तरफ से एक प्रॉपर ट्रैप आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप बार बार उनके वेबसाइट पर जाओ, बार बार स्क्रॉल करते रहो. हमें पसंद नहीं है कि हमारी कोई बुराई करे, इसलिए इन सोशल मीडिया ऐप्स पे कोई डिसलाइक का ऑप्शन नहीं रहता है. इसलिए ये ऐप्स चाहते हैं कि आप उनके वेबसाइट पे आए, उनके ऐप्स पर आए और स्क्रॉल करते रहे. आपको आपके इंटरेस्ट की फोटोज या वीडियोस हर बार दिखाई जाती है, ताकि आप उनके वेबसाइट पर स्क्रॉल करते रहे. जी हाँ, आपने कभी नोटिस किया रहेगा कि आपकी तरफ से कोई भी चीज़ सर्च की गई हो या फिर आपकी तरफ से कोई भी चीज़ लाइक की गई हो, सडनली आपको उस रिलेटेड फोटोज़ या वीडियोज़ दिखने चालू हो जाते हैं. ये आपका डेटा यूज़ कर आपको उस रिलेटेड फोटोज़ या वीडियोज़ दिखा देती है. जितना ज़्यादा टाइम आप उनकी वेबसाइट पर स्क्रॉल करोगे उतना उनका मुनाफा बढ़ता जाएगा. कोई भी इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, इसलिए खुद को दूसरों से अच्छा दिखाने के लिए सोशल मीडिया ने आपको फिल्टर्स का भी ऑप्शन दिया है, ताकि आप अच्छे फिल्टर में फ़ोटो खींचो और पोस्ट कर सको, और बाद में आप फोटो के लिए बार बार इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब स्क्रॉल कर सको. इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स आपको फिल्टर्स के भी ऑप्शन देती है. बहुत लोग सोशल मीडिया पे खुश लगते हैं, लेकिन वो 1% उनका व्यू होता है, लेकिन 99% वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं वो दिखा नहीं पाते. वो बस यही चाहते हैं कि अपने लाइफ में कैसे खुश है वो दिखा सके. तो आप कहोगे हमको क्या, हमारा तो टाइम पास होता है. जी हाँ, सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपसे यही चाहते हैं कि आप टाइम पास करते रहो. लेकिन एक्सपर्ट का मानना है, अगर आप बार बार सोशल मीडिया पे फोटोज या वीडियोज देखने के लिए जाते हो, अगर आपके हिसाब से आपको कमेंट्स या फिर फोटोज मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और इसकी वजह से आपके माइंड से डोपामाइन बोल के एक केमिकल रहता है जो रिलीज होता है. एक वही डोपामाइन केमिकल है जो एक कोकेन लेने के बराबर होता है. अगर आपको वही बाद में फोटोज या वीडियोज पर लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिलते तो बाद में आप उससे यूज टू हो जाओगे और उससे आपको तलब हो जाएगी. ये सोशल मीडिया फ्री क्यों है? अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, इसका मतलब आप खुद एक प्रोडक्ट. चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ. किसी शॉप में फ्री चॉकलेट्स की एडवर्टाइज लगी है, तो शॉपकीपर को दो तरह के फायदे हो सकते हैं. पहला फायदा, शॉपकीपर के पास बहुत सारी रश हो जाएगी, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, तो दूसरे लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, कितनी भीड़ क्यों है, इतनी रश देखकर. एक इंसानी फितरत है कि भीड़ देखकर उन्हें वहाँ जाने का मन करता है, वो उनका एक फायदा. दूसरा फायदा ये, आपको चॉकलेट के बदले आपको उनका एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर आपको आपका नंबर देना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ आपको एक चॉकलेट के बदले आपको डेटा देना होगा. एग्जैक्टली सेम थिंग सोशल मीडिया ऐप्स आपके साथ कर रही है. एंटरटेनमेंट के बदले आपसे नाम, आपका एड्रेस, आपकी एज और आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है. आपको, आप जहाँ पे भी जाते हो, आप जहाँ पे शॉपिंग करते हो, आप जहाँ पे मूवीज देखते हो,
आप कहाँ पे खाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ये सब डेटा उनके पास रिकॉर्ड हो रहा है। उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है। उस एडवर्टाइजिंग को दिखाने के लिए उन कंपनीज को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पाए गए हैं। इसका मेनली बेसिक रीजन कहा गया है कि सोशल मीडिया। हम जहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो हमारा 1% दिखता है, लेकिन 99% इज हाइडन। सोशल मीडिया पे हम सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं कि हम जितना खुश है, जी हाँ, लेकिन हम सिर्फ 1% दिखाते हैं, लेकिन 99% इज हाइडन। कुछ लोग कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसे बीमारियां फैल रही है, और कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। आइदर यू यूज सोशल मीडिया और यू गेट यूज बाई इट। सोशल मीडिया का गुलाम मत बनिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।